आज है सोमवती मावस। तो सोमवती मावस की हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पे पूजा करने के लिए मैंने लिए गेहूँ, पताशे, चावल, मेहंदी, साबुत मूंग, रोरी और फूल, अगरबत्ती और मोली। तो सबसे पहले करेंगे हम तुलसी माता की टीकी। तो यहाँ पे मैंने टीकी लगानी है, लगा लिए। अब चावल लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने चावल लगा लिए तुलसी माता के, और अब लगाएंगे यहाँ पे मेहंदी। तो यहाँ मेहंदी लगा दिए। तो मेहंदी लगाने के बाद में चढ़ाएंगे यहाँ पे मीठा माता जी के, मीठा मीठा खिलाएंगे हम। तो यहाँ मैंने मीठा खिला दिया। अब चढ़ा देंगे जल। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया है, और अब करेंगे दीपक अगरबत्ती। तो यहाँ पे मैंने अगरबत्ती जला ली है। तो यहाँ अगरबत्ती लगा दी। तो यहाँ मैंने अगरबत्ती जला के लगा दिए, और अब चलाएंगे यहाँ दीपक। तो यहाँ मैंने दीपक जला लिया है, और थोड़ी सी हवा चल रही है तो मैं इसको, तो अब जला दिया मैंने यहाँ पे दीपक। ये देखिए अगरबत्ती करने के बाद में, और अब चढ़ाएंगे यहाँ पे मोली। और इधर मैंने माता जी को चुन्नी भी उड़ा दी थी। और अब चढ़ा देंगे फूल। ये सोमवती मावस बहुत ही खास मानी जाती है, और इसको ज़रूर पूजा करें आप भी, बहुत ही शुभ होती है। तो यहाँ पे मैंने लिए बिस्कुट। तो मैं लगाऊंगी यहाँ पे 108 परिक्रमा, और आप चाहे बिस्कुट, टॉफ़ी, काजू, बादाम से भी लगा सकते हो परिक्रमा। तो यहाँ पे मैंने परिक्रमा लगाने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैं 108 परिक्रमा लगा लूँगी। तो यहाँ मेरी 108 परिक्रमा हो चुकी है, और मैं बैठ गई हूँ। तो वापस से हम माता जी के हाथ जोड़ेंगे, जो मांगना है वो माता जी से हम मांग लेंगे। तो यहाँ पे मेरी पूजा है जो पूरी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे और बिस्कुट लेके आई हूँ अलग से माता जी को अर्पित करने के लिए। ये हम बच्चों मैंने में अलग से बिस्कुट लिए हैं, ये भी हम तुलसी माता के अर्पित कर देंगे और बच्चों में बांट देंगे। तो आपको सोमवती मावस की